नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सूर्य देव की पूजा का हिंदू धर्म में काफी महत्व बताया गया है। वैदिक काल से ही सूर्य देव को पूजा जा रहा है। विष्णु, भगवत, ब्रह्मा, वैवर्त जैसी पुराणों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है, उसके सभी रोग और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई भी दुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका उन्हें रोजाना जल चढ़ाना भी है। आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है, उसे पिता या ज्येष्ठ का पदवी प्राप्त है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक ना हो, तो आपको पंडित द्वारा सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस जल को चढ़ाने का भी एक खास नियम होता है। यदि आप सही विधि से सूर्य को जल नहीं देंगे, तो आपको इसका फल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य को जल देने की सही विधि। नियम के अनुसार सूर्य उदय होने के एक घंटे के भीतर ही जल दे देना चाहिए। ऐसा ना हो तो कम से कम 8 बजे तक तो जल चढ़ा ही दें। सूर्य को जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए ही देना चाहिए। जब सूर्य देव को जल दें, तो उसमें पुष्प या अक्षत मिलाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के दौरान एक खास मंत्र बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंत्र हैं, ओम हीम हीम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। सूर्य देव को जल देने के पश्चात धूप एवं अगरबत्ती के माध्यम से उनकी पूजा करें। यदि आप सूर्य को जल लाल रंग के वस्त्र पहन चढ़ाते हैं, तो ये और भी शुभ और लाभकारी होता है। जब सूर्य को जल अर्पित करें, तो आपके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होने चाहिए। इस तरह सूर्य की 7 किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। अंत में सूर्य देव की 3 परिक्रमा भी अपने स्थान पर घूमते हुए करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।